बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के धर्म नगरी हरिद्वार से। नवोदय नगर के गणेश एनक्लेव में धूमधाम से मनाया गया भगवान शंकर के प्रिय पुत्र श्री गणेश जी का जन्मोत्सव। गणेश एनक्लेव राम मंदिर के पास पूजन के बाद बच्चों ने किया डांस, लोग देख कर रह गए दंग। नवोदय नगर के गणेश एनक्लेव में कमेटी के लोगों के प्रयास से गणेश जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम राम मंदिर के पुजारी श्री दीपक शास्त्री जी के द्वारा वेद मंत्रों से पूजन किया गया। इसके पश्चात बच्चों की डांस प्रतियोगिता संपन्न हुई। छोटे छोटे बच्चों ने इतना मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया कि जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया। तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज से इलाका गूंज उठा। पंडित चेतन शर्मा और पंडित शिवाकांत पाठक ने इस धार्मिक आयोजन को संपन्न कराने वाले युवाओं के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि भगवान गणेश सुख शांति के दाता हैं। देश, शहर, मोहल्ले में इस तरह के आयोजन होना चाहिए ताकि नई पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। गणेश जन्मोत्सव कार्यक्रम प्रतिवर्ष की भांति आयोजित किया गया, जिसमें कि तमाम युवा पीढ़ी ने भागीदारी दिखाई। भगवान शंकर के प्रिय पुत्र गणेश जन्मोत्सव को नवोदय नगर गणेश एनक्लेव में माताओं, बहनों और युवा वर्ग के लोगों के विशेष प्रयास से संपन्न किया जाता है। लोगों का मानना है कि भगवान गणेश के पूजन अर्चना और वेद मंत्रों द्वारा विधिवत पूजन के साथ जन्मोत्सव मनाने से वर्ष भर शांति कायम रहती है। गणेश जी के जन्म का उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता है। गणेश चतुर्थी से प्रारंभ हुआ उत्सव 10वें दिन अनंत चतुर्दशी को मूर्ति विसर्जन के साथ समाप्त होता है। इस दौरान आप पूजा मंत्र, जाप और ज्योतिष उपायों से अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि पा सकते हैं। प्लीज स्टेज के आगे से हट जाइए। सभी लोगों से हम अपना निवेदन है कि थोड़ा आप स्टेज से हटके थोड़ा बैठ जाइए प्लीज। कैमरामैन साथी के साथ हरिद्वार से रणविजय कुमार की रिपोर्ट।